चालू करें सर। स्टार्ट है ठीक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए डी स्मार्ट क्लासेस स्वागत करता है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए आज हम लोगों की हिंदी की शायद 10वीं क्लास है, 9 क्लास इसके पहले हो चुकी हैं, है ना। तो जिसको इसमें टेलीग्राम में और यूट्यूब में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो आप इसके प्रीवियस की जो भी क्लासेज हैं वो देख सकते हो। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आप अपनी नेक्स्ट क्लास, तो उसके लिए बेटा चलते हैं हम लोग। देखो आज हम लोग पहले संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके, आज हम लोगों का विशेषण पढ़ना है। और विशेषण में हम लोग देखते हैं, देखो बेटा विशेषण क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, संज्ञा की भी सर्वनाम की भी, ठीक। इनकी अगर विशेषता बता रहे हैं तो जो भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं, मतलब संज्ञा सर्वनाम के अलावा जो विशेषता बता रहे हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। भाई जो विशेषता बताएगा वही तो विशेषण कहलाएगा, तो विशेषता बताने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ये बेटा मुख्य चार प्रकार के हैं, कौन कौन से हमने बताए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक या इसी को निर्देशक विशेषण कहते हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में आपका गुण हो सकता है, दशा दोष हो सकता है ना, दशा दोष, आकार, स्थिति, स्थान, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, गुणवाचक विशेषण में। इसके बाद संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण भी बेटा दो प्रकार का हो सकता है, एक हमारा निश्चित संख्या बताएगा और एक हमारा अनिश्चित संख्या। भाई जैसे कोई कह दे कि एक दर्जन केले, है ना, तो एक दर्जन केले हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या को बता देगा कि भाई एक दर्जन में 12 केले होंगे, है ना। और जैसे घर में कोई आया बोले भाई थोड़े केले ले आओ, कुछ केले ले आओ, तो कुछ केले में क्या हो जाता है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि आप एक लेके जा रहे हो या 10 लेके जा रहे हो, या पता चला पूरे 5 दर्जन रखे हैं, पूरे एकदम लेके चले गए ट्रे में, है ना। तो होता क्या है कि कुछ ले आओ तो कुछ हो गया, ये सब हमारे अनिश्चित वाचक में आ जाएंगे। ऐसे ही बेटा परिमाणवाचक विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का, एक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके बाद सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक और निर्देशक जो लास्ट में बचा, तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे लेकिन स्लाइड वीडियो नहीं बन पाया था, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब पहले तो हमारा था मुख्य भेद थे, अब देखो तुलना या अवस्था के आधार पर तीन भेद किए गए। तुलना या अवस्था के आधार पर एक तो मूलावस्था हो गई, उत्तरावस्था हो गई, उत्तमावस्था हो गई, ठीक। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, एक को पॉजिटिव डिग्री पढ़ते हैं, कंपरेटिव डिग्री पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। तो कंपरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, ये हम जब किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों में, वस्तुओं में, इनमें तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वो हमारे किस में आ जाते हैं, तुलना या अवस्था की अवस्था आ जाती है। तो उसमें बेटा तीन प्रकार से कैटेगराइज कर दिया गया, तीन प्रकार से इसके भेद कर दिए गए, एक तो हमारी मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था को जो बताए, जैसे श्रेष्ठ, अब बेटा श्रेष्ठ में देखो संस्कृत, ये संस्कृत से जब बनाए गए तो तरप और तमप दो प्रत्ययों का विधान किया गया, जिसमें तरप प्रत्यय लगाया जाएगा वो हमारा कैसा बनाएगा, उत्तरावस्था, कंपेरेटिव डिग्री को बताएगा। जैसे श्रेष्ठ में हमने तरप जोड़ दिया, श्रेष्ठ तर बन गया, बाकी हमारी अलंतम से संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, तो केवल तर बचता है तो श्रेष्ठतर हो गया। ऐसे ही इसमें हम तम प्रत्यय जोड़ते हैं तो श्रेष्ठतम बन गया, पा तो वैसे भी हट जाएगा, ठीक। जो भी हलंत वर्ण होगा अंत वाला, उसकी संज्ञा हो जाएगी, वो लोप हो जाएगा। जब हम संस्कृत की क्लास पढ़ाएंगे तो आप लोगों को प्रत्यय में ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो श्रेष्ठतम बन गया, तो अब यहां पर मुख्य अवस्थाएं तीन आ गई, ठीक, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण था ना, तो गुणवाचक विशेषण में देख लेते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, स्वाद, स्पर्श, आकार, स्थान, समय, दशा, अवस्था इत्यादि को बताएं, वे बेटा क्या कहलाते हैं, वे सभी गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे, ठीक।
वे सभी गुणवाचक विशेषण होते हैं। जो भी कौन कौन क्या क्या दिखाएं, गुण दोष दशा अवस्था, ठीक, दोष रंग स्वाद स्पर्श आकार स्थान समय। तो देखो हम लोग इसके एग्जाम्पल सभी के देख लेते हैं एक एक बार, ठीक सही रहेगा ना, एग्जाम्पल पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा गुण में कौन कौन आ रहे हैं, दोष में क्या क्या आ रहा है, ठीक। तो देखो पहले ऐसे सीरियल से लिख लेते हैं हम लोग, देखो गुण हो गया दोष रंग। अच्छा देखो बेटा गुण में जैसे ईमानदार है तो ये कैसा हो जाएगी, ये उसका गुण हो जाएगा ना, गुण हो जाएगा कि नहीं, वो ईमानदार है, ईमानदार राम ईमानदार है, तो राम क्या हो गया, राम ईमानदार है तो ईमानदार ये उसकी क्वालिटी हो गई ना, गुण हो गया। तो जैसे ये शब्द हो गया ईमानदार, ठीक, और एक दो शब्द देख लेते हैं, दयालु हो गया दयालु। तो ये जितने भी शब्द हैं जो गुण को द्योतित करें, तमाम प्रकार के हैं, जरूरी थोड़ी ना केवल ये दो बता दिए गए तो यही होंगे, है ना। तो ऐसे जो भी हमारी गुण की अवस्था को बताएं, क्वालिटी बताएं, वो सब किस में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे, ठीक। उदार हो गया, मेहनती हो गया, ये सब हो जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद दोष में देखो क्या क्या आ जाएगा, दोष में हमारा आ जाएगा जैसे अब दोष है कोई चोर है तो ये क्या हुआ, उसकी क्वालिटी तो उसकी ये भी है, क्वालिटी तो है लेकिन कैसी क्वालिटी है, निगेटिव वाली है ना, मतलब यही दोष में आ जाएगा। भाई चोरी करना चोर होना भी एक गुण है लेकिन वो कैसा है, वो नकारात्मक अर्थ में ले लिया गया है ना। तो हाँ है तो क्वालिटी, सभी तो चोर नहीं होते हैं, है ना, तो क्वालिटी उसके पास भी है लेकिन वो क्या है कि अब वो दोष में आ जाएगा, तो चोर हो गया। ऐसे ही करके आपके झूठा हो गया, दुष्ट हो गया, पापी हो गया, ये सब बेटे किस में आ जाएंगे, ये सब हमारे दोष में आ जाएंगे, ठीक, ये सब किस उसमें आ जाएंगे, दोष में आ जाएंगे। आगे देखो देखते हैं हम लोग रंग में, तो रंग में देखो जैसे लाल हो गया, गुलाबी हो गया, श्वेत हो गया, ठीक, और भी तमाम प्रकार के, हरा हो गया, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, रंग में, है ना। तो रंग, अब इसके बाद देखो स्वाद, स्वाद में हो गया कटु हो गया, तिक्त हो गया, मधुर हो गया, कसाय हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, स्वाद में आ जाएंगे, ठीक। अब देखो स्पर्श देख लेते हैं, स्पर्श में कौन सी चीज रखी गई, जैसे मुलायम हो गया, कठोर हो गया, ठीक, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, स्पर्श में आ जाएंगे। आकार में देखो, आकार में तो पता ही होगा जैसे लंबा चौड़ा, ठीक, ये सब किस में आ जाएंगे, आकार में आ जाएंगे। राम लंबा है, तो राम कैसा है, लंबा है, मतलब क्वालिटी राम की क्या है, लंबा है। तो अब ये है तो गुण उसका लेकिन किस प्रकार का आ जाएगा, आकारवाचक में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद देखो स्थान, स्थान में देखो जैसे जोधपुरी हो गया, बीकानेरी, है ना। अच्छा देखो नमकीन कहाँ की फेमस है बताओ, कोई फरुखाबाद की नमकीन फेमस है ना, ऐसे कुछ करके, तो फरुखाबादी, हाँ। तो जितने जैसे बीकानेरी हो गई, जोधपुरी हो गई, बनारसी, अब साड़ी जैसे हैं, साड़ी की क्वालिटी क्या है, बनारसी है, तो मतलब ये एक स्थान विशेष का द्योतक हो गया, तो यहां पर कैसा हो जाएगा, स्थानवाचक। अब ये आएंगे सभी किस में, आपके गुणवाचक में ही आएंगे, ठीक। ऐसे करके समय, और समय देख लो जैसे मासिक,
समय देख लेते हैं, समय से जैसे मासिक हो गया, साप्ताहिक हो गया, दैनिक हो गया, वार्षिक हो गया, जैसे वार्षिक पत्रिका लिखा है, वार्षिक पत्रिका। अब बेटा पत्रिका हमारी क्या है, संज्ञा है। पत्रिका कौन सा नाउन है, मतलब कौन सी संज्ञा है पत्रिका में। पत्रिका हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। कैसा हो गया, अगर इसी पत्रिका का कुछ नाम होता तो क्या हो जाती फिर वो हो जाता है, फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाता। तो जो जातिवाचक संज्ञा है, अब इस संज्ञा की विशेषता कैसी है कि भैया ये वार्षिक है सॉरी मतलब ये वार्षिक है, वर्ष में एक बार इसका प्रकाशन होता है। तो ये आपका समय हो गया, समय वाले, समय के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे। ठीक, दशा और अवस्था, ये चीज समझ में आई ना, ईमानदार दयालु। देखो जो गुण को बताए वो गुणवाचक में डायरेक्ट आ जाएंगे, जो दोष को बताए जैसे आपका चोर, झूठा, दुष्ट, पापी, ये सब किस में आ जाएंगे, दोषवाचक विशेषण में। ठीक, अब देखो दशा या अवस्था में अमीर हो गया, गरीब हो गया, ये सब इसकी अवस्था बता रहे हैं ना। जैसे कोई कह दे कि भाई मोहन गरीब है, तो मोहन की क्वालिटी क्या है, हाँ तो मोहन की एक विशेषता बता दी गई कि मोहन कैसा है, मोहन गरीब है। या अब आप मोहन को अमीर बना सकते हो, मोहन अमीर है, तो अमीर का मतलब क्या हुआ कि भैया अब उसकी क्वालिटी क्या हो गई, अमीर होने की। तो यहाँ पर जो दशा है या अवस्था है, ये सब इसके द्योतक हो जाते हैं। तो दशा, अवस्था, समय, स्थान, आकार, ये सब जितने भी हैं, जितने इसके अंतर्गत हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में ही आ जाएंगे। ठीक, कमजोर हो गया, बीमार हो गया, ठीक, दशा या अवस्था, सूखा हो गया, गीला हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे। तो इसको नोट कर लेना आप लोग, या तो आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ। आगे चले, यहां कुछ समझना है आप लोगों को। देखो जो संज्ञा विशेषण की क्वालिटी है कि बताएंगे किसकी क्वालिटी, संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक, देखो, अच्छा हम इसमें दो उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को। देखो दो वाक्य हैं, क्या हैं, दो वाक्य हैं ना यहाँ पर। एक क्या है, मोहन धीरे चलता है, और दूसरा मोहन ईमानदार है। तो मोहन धीरे चलता है और मोहन ईमानदार है, मतलब दोनों कार्य किसके द्वारा हो रहे हैं, दोनों चीज़ें किसके लिए हैं, मोहन के लिए हैं। तो अब देखो मोहन हमारा क्या है, संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखो इसकी क्वालिटी क्या है, ईमानदार है। तो यहां पर विशेषण कौन सा हुआ, यह विशेषण हो गया। लेकिन यहां पर मोहन क्या है, मोहन तो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलना क्या हो गई, लेकिन कैसे चल रहा है, धीरे चल रहा है। तो अब ये बताओ जो धीमा है, धीरे है, ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, धीरे किसकी क्वालिटी बता रहा है, धीमा धीरे। मोहन की कैसे है, मोहन धीरे चलता है, तो धीरे चलता है, हो सकता है कभी पीछे शेर आ जाए तो मोहन बहुत फास्ट चले, मोहन की ये क्वालिटी तो नहीं है ना। तो नहीं, मोहन की क्वालिटी नहीं है, ये क्रिया का बेटा विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि जो चलने वाली क्रिया हो रही है वो कैसी हो रही है, धीरे हो रही है। मतलब मोहन चलता है, और कैसे चलता है, धीरे चलता है। तो मतलब क्रिया की विशेषता बताई जा रही है ना, मोहन चलता है, चलने वाली क्रिया कर रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है, तो धीरे चल रहा है। तो यहां पर बेटा ये हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। अंतर समझ रहे हो ना,
जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाएगा, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो हमारा क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ एग्जाम्पल से समझ लेना, मोहन धीरे चलता है तो चलना जो क्रिया है उसको वो कैसे कर रहा है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। तो अगर वो धीरे है तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण, और यहाँ ईमानदार ये हमारा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, दो नंबर पे, पहले गुणवाचक पढ़ लिया, अब दूसरा नंबर आता है हमारा संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, ठीक, जो शब्द हाँ ऐसे समझ लो, संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, जो संख्या को प्रदर्शित करें, जो क्या करें, संख्या को प्रदर्शित करें, संख्या से आपकी विशेषता बताएं, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को प्रदर्शित करें, वो सब क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराएं। तो जहां पर संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। इसमें क्या क्या है, इसमें संख्या, संख्या की गणना शामिल है। ठीक, अब ये बेटा दो प्रकार के हो जाएंगे, एक हमारा कैसे हो जाएगा, एक हमारा निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, अब देखो निश्चित संख्यावाचक में आप लोगों को हमने बताया, जहां निश्चित संख्या का बोध कराया जाए वो हमारे सब क्या कहलाएंगे, निश्चित संख्यावाचक। जैसे देखो एक दर्जन केले, ठीक, तो अब एक दर्जन है मतलब यहां पर क्या है, यहां पर संख्या की संख्या का बोध करा दिया गया कि भाई कितने हैं। ठीक, हाँ पांच, जैसे देख लो पांच कुर्सियां, ठीक, दस पुस्तकें, ये सब बेटा जितने में हमारे एक दर्जन, देखो एक दर्जन, पांच कुर्सियां, दस पुस्तकें, तो ये सब किस में आ जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण में आ जाएंगे। इसके बाद अब हम लोग चलें जब अनिश्चित संख्यावाचक में, तो अनिश्चित वाले में क्या हो जाएगा, जैसे कुछ, कुछ आम, ठीक, तो यहां पर कुछ आम हो गया, कुछ रुपए, एक दो आम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दो आम। अब देखो एक दो आम में क्या है कि कोई निश्चित संख्या नहीं है, मतलब क्या है कि भाई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है ना, एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है, तो एक दो आम हो गया, तो यहां पर संख्या का निश्चित बोध नहीं हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, अनिश्चित वाचक। तो यहां से समझ में आ गया होगा, एक दर्जन, पांच कुर्सियां, यहां से आपको निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। ठीक, अच्छा, कुछ आम, कुछ रुपए, एक दो आम, ये सब आपके हो जाएंगे किसमें, अनिश्चित संख्यावाचक में। ऐसे हम लोग तीसरे नंबर पे चलते हैं, परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक विशेषण में बेटा क्या होता है कि जो शब्द
संज्ञा या सर्वनाम की, सर्वनाम शब्दों के परिमाण का बोध कराएं। ठीक, परिमाण का मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी, मतलब उनकी मात्रा का या परिमाण का बोध कराएं। वो सब मात्रा हो गई, तौल का ज्ञान ये सब हमारा कराएं, परिमाण का ज्ञान, मात्रा या तौल का ज्ञान या बोध कराएं, वो सब किस में आ जाएंगे? परिमाणवाचक में। ठीक, परिमाणवाचक भी हमारा दो प्रकार का हो जाएगा, एक निश्चित परिमाणवाचक, और एक हो जाएगा बेटा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखो, निश्चित परिमाणवाचक में जो भी रहेगी क्वांटिटी या मात्रा या तौल, वो आपकी निश्चित मात्रा रहेगी। ठीक, देखो जैसे जैसे देखो 2 मीटर या 5 मीटर कपड़ा, ठीक, जैसे 42 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक, तो अब ये हमारे सब क्या हो गए? ये एक निश्चित मात्रा या तौल का ज्ञान करवा रहे हैं, जैसे 5 किलो चावल। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ कि ये हमें एक निश्चित मात्रा का बोध करवा रहे हैं कि भैया 5 मीटर कपड़ा है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और 5 किलो चावल है। तो यहां पर जो निश्चित परिमाण का बोध करवाएं, वो सब किस में आ जाएंगे? निश्चित परिमाणवाचक में। ठीक, इसी के अलावा जब हम अनिश्चित में जाते हैं, जैसे कुछ मीटर कपड़ा, ठीक, कुछ मीटर कपड़े, अब कुछ मीटर कपड़ा में क्या हो गया? कुछ हो गया, ये सब आपके किस में आ जाएंगे? हाँ, कुछ मीटर है तो, अब भाई कुछ है तो ये अनिश्चित में चला जाएगा। ठीक, इसके बाद जैसे मुट्ठी भर चावल, अब इसमें देखो मुट्ठी भर है थोड़ा या थोड़े चावल, कुछ चावल, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? थोड़ा, कुछ, मुट्ठी भर, कुछ मीटर, तो यहां पर हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो यहां पर हमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? देखो जैसे ढेरों आम, तो अब देखो ढेरों आम का मतलब क्या हुआ कि भाई आम पूरा ढेर भर हैं, तो ढेर भर में कोई हमें उसका क्वांटिटी नहीं पता चल रही है कि कितने हैं। अब इसी जगह अगर हम कह दें 2 किलो आम, तो अगर बेटा 2 किलो आम कह रहे हैं, तो यहां पर जो 2 किलो शब्द है, 2 किलो ये किसका बोध करा रहा है? 2 किलो आपका निश्चित परिमाण को बता रहा है, लेकिन ढेरों आम, तो भैया ढेरों में कितना भी हो सकता है, ढेर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो ढेरों आम में आपका कुछ भी निश्चित नहीं है, आप इसको यथावत बता नहीं सकते हो कि ढेरों आम में एक ढेर में कितना क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा आता है संकेतवाचक, इसी को आप सार्वनामिक या इसी को आप क्या बोलते थे? निर्देशक। ठीक, तीनों नाम बेटा एक ही के हैं, संकेतवाचक विशेषण बोल सकते हो, सार्वनामिक विशेषण बोल सकते हो, निर्देशक विशेषण बोल सकते हो। ये तीनों नाम अगर किसी के हैं तो वो सार्वनामिक बोलो या उसको संकेतवाचक विशेषण बोलो। ठीक,
देखो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की तरफ क्या करें, संकेत करें, मतलब उनकी तरफ इंडिकेट करें, इंडिकेट करें उनकी तरफ, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब देखो जैसे आप कोई बात कहनी है कि ये मेरा घर है ना, तो यहाँ पर आप संकेत कर रहे होते हो, तो जितने भी जो भी शब्दों की हम सहायता लेते हैं संकेत करने के लिए, उसको संज्ञा सर्वनाम से रिलेट करने के लिए, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो यह मेरा घर है, अब किसी ने इंडिकेट किया कि यह घर, मतलब यह जो है यह मेरा घर है, मतलब क्या हुआ कि हम उसको बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं कि यह मेरा घर है। तो यह जो वर्ड हमने यूज किया, अब यह घर है, मेरा घर है, लेकिन क्या है, यह हो गया, वह हो गया, तो यहां पर जो भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो सब सार्वनामिक होंगे। ठीक, जैसे देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहां भी संकेत हो रहा है कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है, कोई रो रहा है। तो देखो बेटा कोई रो रहा है, अब रोने की क्रिया हो रही है, अब वो किसी के द्वारा हो रही है, तो यहां संज्ञा या सर्वनाम जो भी है, तो संज्ञा या सर्वनाम आपका डिसाइड नहीं है, कोई रो रहा है ना, कुछ खेल रहे हैं, कोई खेल रहा है, तो यहां पर क्या है कि अब भाई खेलेगा कोई संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। अब संज्ञा या सर्वनाम के लिए हमने क्या प्रयोग किया, कोई, मतलब क्या हुआ कि हम संज्ञा सर्वनाम की तरफ संकेत कर रहे हैं कि भाई कोई खेल रहा है या कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा है मतलब कंफर्म नहीं है कि कौन आ रहा है, या कोई खेल रहा है, कोई रो रहा है, तो रोने की क्रिया तो हो रही है, अब वो होगी किसी संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा ही हो रही होगी, लेकिन कौन कौन है, तो उसके लिए हमने संकेत किया कि कोई रो रहा है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे ये शब्द हो गए, जैसे आपका कोई हो गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये जितने भी विशेषण हैं ये सब बेटा सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। कौन से विशेषण कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे या संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। देखो अब हमने आपको बताया था, देखो यहां पर देख लो, तुलना या अवस्था के आधार पर, देखो तुलना या अवस्था, तो वो तो हमने चारों भेद पढ़ लिए, कौन कौन से भेद पढ़ लिए, गुणवाचक पढ़ लिया, इसके बाद संख्यावाचक पढ़ लिया, परिमाणवाचक पढ़ लिया और संकेतवाचक सार्वनामिक या निर्देशक विशेषण पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं तुलना या अवस्था के आधार पर, जो विशेषण के तीन भेद बताए थे उनमें से मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग, ठीक, तो नंबर एक में आ जाते हैं हम मूलावस्था में। मूल अवस्था, इसी को विच्छेद करके लिख दोगे तो आप पा जाओगे मूल अवस्था। मूल अवस्था का मतलब जो उसकी स्टेज है, ओरिजिन स्टेट, मतलब उसकी जो मूल पॉजिटिव डिग्री वाली जो बातें हैं वो सब इसमें मूल अवस्था में आ जाएंगी। जो शब्द अपनी मूल अवस्था में रहे, ठीक, जो शब्द अपनी मूल अवस्था में हो या ये कह सकते हैं कि जिसकी तुलना ना की जाए,
मतलब जिसमें हम कंपेयर ना करें, दो लोगों में कंपेयर अगर नहीं कर रहे हैं तो वो सब किस में आ जाएंगे, तुलना नहीं की जाती वहाँ पर, तुलना नहीं की जाती वहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाता है, तुलना नहीं की जाती वहाँ कौन सा विशेषण होता है, वहाँ मूलावस्था विशेषण होगा। ठीक, जैसे देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर वो अपनी मूल अवस्था में होगा और क्या करेगा, वो किसी से उसकी तुलना नहीं की जाती है। ठीक, तो वो हमारे सब आ जाएंगे किसमें, मूल अवस्था में आ जाएंगे। जैसे देखो जैसे बेटा उच्च हो गया, निम्न हो गया, लघु हो गया, अधिक हो गया, श्रेष्ठ हो गया, ये जितने भी एग्जाम्पल बताए गए ये सब किस में आ जाएंगे, आपके मूल अवस्था में आ जाएंगे। ठीक, जैसे उच्च, निम्न, लघु, अधिक, श्रेष्ठ, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, हाँ मधुर कटु, ये सब जो है ये जितने भी हैं, जितने हम पढ़ते हैं जो भी शब्द हैं जिनकी तुलना नहीं की जाती वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, मूल अवस्था में आ जाएंगे। ठीक, जैसे जैसे बेटा ये एग्जाम्पल लिखा है सीता सुंदर है। ठीक, अब देखो यहां पर सीता, इसकी क्वालिटी क्या बताई गई, सुंदर है, तो सुंदर हमारा सीता के लिए बता दिया गया है कि सीता सुंदर है, मतलब सीता की ना तो किसी से कंपेयर की जा रही है, ना सीता को कई लोगों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, ना सीता की किसी एक से तुलना की जाती है। तो जहां तुलना नहीं की जाती है और वो शब्द अपनी मूल अवस्था में हो तो वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, मूल अवस्था में आ जाएंगे। यहां सीता सुंदर है बता दिया गया। अब जैसे कहा जाए कि राम श्याम से अधिक सुंदर है या राम श्याम से ज्यादा बुद्धिमान है, तो यहां पर जो ज्यादा है, ज्यादा बुद्धिमान है ना, या राम श्याम से श्रेष्ठतर है तो श्रेष्ठतर, तो जो ये शब्द आ जाएंगे ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, उत्तरावस्था में आ जाएंगे। ठीक, मीठा है, आम मीठा है, तो भाई मीठा है, अब उसकी कंपेयर नहीं हो रही किसी से, ना उसकी कि भाई आम आपका और किसी फल से तुलना कर दी जाए कि आम पपीता से ज़्यादा मीठा है या आम इससे ज़्यादा है, तो जब हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं केवल मूल अवस्था की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी कौन सी अवस्था आ जाएगी। कुल मिला के आप ऐसे समझो जितने भी विशेषण हैं अगर वो अपने मूल फॉर्म पे हैं, मतलब अपने ओरिजिन फॉर्म पे हैं, मूल अवस्था में है, तो वो सारे कौन से उसमें आ जाएंगे, मूल अवस्था में आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा, सेकेंड नंबर है उत्तरावस्था। यहां पर बेटा क्या होता है, दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में क्या हो रही होती है, कंपेयर हो रही होती है। ठीक, तो जहां दो से अधिक, दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में कंपेयर हो वहां पर क्या हो, जहां एक की तुलना ठीक गुण दोष अवस्था आदि के आधार पर की जाए तो वहां आपकी उत्तरावस्था आ जाती है। ठीक, आदि के आधार पर किसी भाई हम अन्य व्यक्ति या वस्तु से करवा रहे हैं तो वहां पर हमारी उत्तरावस्था आ जाएगी। ठीक, आदि के आधार पर किसी अन्य से की जाए। ठीक, जैसे देखो मालती मोहन से अधिक होशियार है या बुद्धिमान है, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो भाई साहब इसमें क्या है कि देखो यहां पर दो संज्ञाएं हो गई, एक तो मालती हो गई और दूसरा मोहन हो गया। अब इनमें हमने कंपेयर करवा दिया या इनमें किसी कंपेयर हो गई किसने, जैसे मालती और जो भी है मोहन, तो मालती अब किससे ज्यादा होशियार है, मोहन से ज्यादा होशियार है या मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है। तो जब हम तुलना कर रहे हैं गुण दोष अवस्था आदि के आधार पर अगर हम तुलना कर रहे हैं तो यहां पर जो शब्द प्रयुक्त किया गया
जैसे होशियार या बुद्धिमान, अधिक होशियार है, अधिक बुद्धिमान है तो किस से? मोहन से। तो यहाँ अधिक होशियार, अधिक बुद्धिमान, ये सब किस में आ गए? कंपेरेटिव डिग्री में आ गए, मतलब उत्तरावस्था में आ गए। ठीक, तो ऐसे करके आपका ये उत्तरावस्था हो जाएगा। जैसे आशा गीता के मुकाबले कमजोर है, तो अब देखो यहां पर भी दो लोगों की कंपेयर हो रही है, दो लोगों में कंपेयर की जा रही है, एक तो आशा और दूसरी गीता। तो कमजोर कौन है? आशा कमजोर है, सॉरी, कमजोर कौन है? आशा कमजोर है। तो यहां पर भी हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? कंपेरेटिव डिग्री। ठीक, तो यहां पर भी हमारी उत्तरावस्था, उत्तरावस्था हमारी प्रयुक्त हुई है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज याद रखना, उत्तरावस्था में केवल दो ही संज्ञा सर्वनाम के हम कंपेयर करेंगे, दो से अधिक का जब जैसे ही करेंगे तो वो हमारी उत्तम अवस्था में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? उत्तम अवस्था में, जहां दो से अधिक, जहां दो से अधिक का क्या करें हम लोग? कंपेयर करें, दो से अधिक की तुलना की जाए। ठीक, उसमें से उसको श्रेष्ठ गुण आदि के आधार पर बताया जाए। ठीक, जहां दो से अधिक से तुलना की जाए। ठीक, या जहां, ऐसे लिख लो, जहां एक की तुलना, मान लो कोई एक है, संज्ञा भी हो सकता है सर्वनाम भी हो सकता है, तो जहां हम किसी एक की तुलना किससे करें? जहां किसी एक की तुलना कई अन्य से की जाए। ठीक, तो वहां हमारी कौन सी अवस्था आ जाएगी? उत्तम अवस्था आ जाएगी। वहां पर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान होगा, उसकी हम कंपेयर और कई लोगों से कर रहे होंगे। जैसे देखो, जैसे हमने कह दिया झांसी जो है वो कई जिलों में सबसे गर्म है, तो यहां पर कंपेयर किससे किया हमने? कई जिले हो गए भाई, झांसी भी एक जिला हो गया और वो कई जिलों में सबसे गर्म है। तो यहां पर जो हमने यूज किया, तो यहां हमने इसकी कौन सी अवस्था का प्रयोग किया? यहां पर हमने इसकी उत्तम अवस्था का प्रयोग किया। ठीक, राम, जैसे हम कह दें कि राम सभी बालकों में श्रेष्ठ है, तो अब यहां पर क्या होगा कि राम जो है इसकी तुलना हम केवल मोहन से नहीं कर रहे या किसी अन्य से नहीं कर रहे, बल्कि है क्या कि राम अन्य जितने भी बालक हैं उन सभी बालकों में से क्या है? श्रेष्ठ है। तो राम बेटा श्रेष्ठ है, मतलब यहां केवल एक, सिर्फ एक छोटी सी चीज याद रखो कि अगर हम दो संज्ञाओं के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो भैया उत्तरावस्था आ जाएगी। अगर दो से अधिक जरा सा भी हुए, जैसे हम पूरी क्लास की बात कर दें कि पूरी कक्षा में मोहन सबसे ज्यादा होशियार है, तो अब भैया मोहन सबसे ज्यादा होशियार है, मतलब पूरी कक्षा की बात हो रही है, मोहन की केवल उसके बगल बैठे लड़के से कंपेयर नहीं की जा रही है, सभी से। हिमालय बता दिया गया, इसकी चोटी या पर्वत सबसे बड़ा है, तो अब होगा क्या कि जो वो है तो अन्य पर्वतों में गंगा सबसे लंबी है या नील सबसे लंबी नदी है, तो मतलब नील नदी जितने भी नदियां हैं उन सबसे क्या है? सबसे लंबी है। तो मतलब यहां पर नील नदियों में सबसे लंबी है। तो बेटा देखो, अब यहां पर नील नदी है वो क्या है? नदियों में से सबसे लंबी है, मतलब जितनी भी नदियां हैं उन सब में से क्या है? वो सबसे लंबी है। तो यहां पर हमारी उत्तम अवस्था हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारे सब हो जाएंगे उत्तम अवस्था। जैसे मोहन ने सॉरी
सॉरी, देखो जुकाम हो गया गर्मी की वजह से। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन ने परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए का मतलब ये हुआ कि परीक्षा में जितने भी अन्य विद्यार्थी थे उन सबसे क्या हुआ, मोहन ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। तो अब यह मोहन हमारा संज्ञा, इसने परीक्षा में सर्वाधिक का मतलब अन्य जितने भी शामिल थे उन सबसे क्या किया, सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। ठीक, तो यह हमारा हो जाएगा उत्तम अवस्था। मान लो आपके पास ये दे दे स्टेटमेंट या वाक्य दे दे कि इसमें सब इसमें कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है, तुलना या कंपेयर करने की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है, तो आप क्या बताओगे, उत्तम अवस्था। ठीक, अब देखो एक चीज और देख लो, एक चीज ये समझ लो जिसको हम नोट करते हैं कि भाई ये नोट लिख लो, तो नोट ये लिख लो कि अगर हम सबसे या सभी लगा रहे हैं तो फिर हम तम या तवर नहीं लगाएंगे। मतलब जैसे यहां सभी बालक हो गए तो अब यहां श्रेष्ठतम नहीं करेंगे, या हम ये कह दें कि राम श्रेष्ठतम है, तो श्रेष्ठतम का मतलब ही हो गया जब हम सबसे या सभी ऐसा कुछ वर्ड यूज करें तब बेटा हम तम, जैसे तम बताया था ना, तम श्रेष्ठतम, तब हम वो चीज यूज ना करें। ठीक, और अगर हम ये सबसे या सभी नहीं लगा रहे हैं तब हम तम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम, जैसे हम कह दें राम श्रेष्ठतम है। अब अगर हम यहां पर सभी बालकों में कर दें तो गलत हो जाएगा, है ना, राम बालकों में श्रेष्ठतम है ऐसा कह सकते हैं, सभी फिर नहीं लगाएंगे, या तो सभी सबसे इसको हम प्रयोग कर दें तो तम और तर ये प्रत्यय न लगाए, अगर हम सभी और सबसे लगा रहे हैं तो फिर हम तम न लगाएं, और अगर नहीं लगा रहे हैं तो हम तम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो वो बन सकता है श्रेष्ठतम। इसके बाद देखो, अब कुछ चीजें देख लो, कुछ चीजें देखने लायक हैं, जैसे अब आपका आ जाएगा प्राविशेषण। हाँ, ये समझने वाली चीजें हैं। देखो प्राविशेषण क्या होता है, प्राविशेषण देखो, प्राविशेषण होता है ऐसा शब्द या ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, कैसा, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, ठीक, या विशेषता बताएं, जो शब्द क्या करें विशेषण की भी विशेषता बताएं, वो बेटा प्राविशेषण कहलाते हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। विशेषण जैसे सीता सुंदर है, अब सीता सुंदर है अच्छी बात है, लेकिन सीता बहुत सुंदर है तो इसमें क्या हो जाएगा, सुंदर तो वो है ये है लेकिन अब बहुत लग गया, मतलब क्या हुआ कि सुंदर ही है और बहुत सुंदर है, तो सुंदर की भी विशेषता हो गई, एक हो गया थोड़ा कम सुंदर, एक हो गया हाँ ठीक है सुंदर है, है ना, लेकिन बहुत सुंदर है। जैसे जैसे सोहन बुद्धिमान है, अब बेटा सोहन क्या है, बुद्धिमान है, ठीक है अच्छी बात है, तो अब सोहन हमारा वैसे देखा जाए तो सोहन संज्ञा है, बुद्धिमान उसका विशेषण हो गया, है ना, गुणवाचक विशेषण हो गया बुद्धिमान, लेकिन अब कहने का मतलब सोहन बहुत बुद्धिमान है, देखो अब इसी जगह कह दिया जाए कि सोहन बहुत बुद्धिमान है, तो भैया सोहन बुद्धिमान तो थे लेकिन अभी कुछ कम रह गया था, अभी बताने वाले को वक्ता को ये लग रहा था कि नहीं हम सोहन को फुली कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं, उनको फुली हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने क्या बोल दिया,
कि भैया सोहन कैसा है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पर देखो बेटा, जो सोहन है ये तो आपने कैटेगराइज कर दिया कि सोहन हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गई। ठीक, सोहन संज्ञा है, कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद बुद्धिमान आपका क्या हो गया, विशेषण। कैसा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक, लेकिन अब देखो ये जो बहुत शब्द आया, बहुत भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो जो बहुत होगा ये बहुत आपका क्या हो गया, ये बेटा प्राविशेषण कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बेटा बोलेंगे प्राविशेषण। क्यों, क्योंकि ये हमारी किसकी विशेषता बता रहा है, ये बता रहा है आपकी विशेषण की भी विशेषता बता रहा। तो ये चीज क्लियर हो गई। जब आप वाक्य देखें, वाक्य में कोई विशेषण हो, विशेषता बता रहा हो और उसके लिए भी कोई एक शब्द आ गया हो, तो वो हमारा प्राविशेषण कहलाएगा। ठीक, अच्छा दूसरा देखते हैं। एक आता है हमारा विशेष विशेषण। प्राविशेषण हो गया, अब देखो विशेष विशेषण। ठीक, बाकी तो विशेषण वगैरह आप लोग हाईस्कूल इंटर में भी पढ़ लेते होगे, कुछ चीजें इसमें देख लो। जैसे प्राविशेषण हो गया, विशेष विशेषण में क्या होता है, विशेष विशेषण हमारा क्या होता है, जब जहां जो विशेषण है वो विशेष से पहले आता है, जहां विशेषण विशेष से अच्छा बेटा दो चीजें याद रखना, एक विशेष और दूसरा विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, जो क्वालिटी बताते हैं, जो गुण दोष अवस्था, ठीक, संख्या परिमाण, ये बताएं, ये सब विशेषण कहलाएंगे। तो ये विशेषण और ये जिसकी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। दो चीजें क्लियर हुई। तो जैसे देखो अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था सोहन बुद्धिमान है, तो यहां पर क्या हुआ कि जो सोहन है ना बुद्धिमान है, तो सोहन आपका विशेष से हो गया, सोहन क्या हो गया और बुद्धिमान विशेषण हो गया। देखो इस विशेषण की जो ये विशेषण है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये जो विशेष विशेषण है ये बेटा किसकी विशेषता बता रहा है, सोहन की। तो जिसकी भी विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं, विशेष कहलाते हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जो विशेषण शब्द हैं ये अगर विशेष से पहले आए, देखो यहां पर तो विशेषण बाद में आया है ना, यहां पर विशेषण विशेष के बाद में आया है, लेकिन हमारा जो विशेष विशेषण होगा वो ये कहेगा कि जहां पर विशेषण शब्द विशेषण ये क्या होगा बेटा, विशेषण शब्द विशेष से पहले आए, है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वहां विशेष विशेषण कहलाएगा। तो देखो विशेषण हम पहले रख दें, जैसे मधुर आम, है ना, तो देखो विशेषण हो गया मधुर, आम हो गया विशेष, आम क्या हो गया विशेष। जैसे मोटा लड़का, ठीक, चोर लड़का, ईमानदार व्यक्ति। तो यहां देखो बेटा ये जो मोटा है, चोर है, ईमानदार है, ये क्वालिटी किसकी बता रहे, लड़का इसकी, व्यक्ति की। तो ये आपके विशेष से हो गए, ये क्या हो गए, विशेष से हो गए, और ये आपके क्या हो गए, विशेषण हो गए। तो सिंपल सा ये देखो, देखो यहां पर आपको उल्टा लगेगा विशेष विशेषण, लेकिन ऐसे समझो को जो विशेषण है वो विशेष के पहले आए तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, विशेष विशेषण कहलाएंगे। ठीक, अब इसके बाद विधेय विशेषण में क्या हो जाएगा, विशेष विशेषण हो गए। आगे देखो
विशेष से विशेषण में बेटा एक चीज याद रखना, जो विशेषण होगा वो विशेष के पहले आएगा, मोटा लड़का है ना, तो विशेषण मोटा है और विशेष क्या है, लड़का है, तो ये हमारे क्या हो गए, विशेष पहले आ गया, विशेषण पहले आ गया और विशेष बाद में आया, ठीक, मोटा लड़का। ऐसे करके विधेय में क्या होगा, जहां जो विशेषण है वो विशेष के बाद आए, जहां विशेषण विशेष के बाद आए, ठीक, और जहां विशेषण विशेष से पहले आए उसको हमने अभी बताया विशेष विशेषण, लेकिन जहां विशेषण विशेष के बाद आए वो आपका क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण। जैसे राम, राम को ही ना लो, बार बार कोई दूसरा ले लो, जैसे श्याम, आलसी है। अब श्याम क्या है, तो भाई श्याम हमारा विशेष हो गया और आलसी क्या हो गया, आलसी उसका विशेषण हो गया, तो भैया श्याम कैसे हैं, आलसी हैं, तो यहां पर ये जो शब्द है श्याम ये आपका क्या हो गया, विशेष हो गया, और आलसी क्या हो गया, विशेषण हो गया। देखो इसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विशेषण जो है वो किसके बाद आया है, विशेष के बाद आया है ना, तो विशेषण विशेष के बाद आया है तो ये भी हमारा क्या हो गया, विधेय विशेषण। और बेटा विशेष विशेषण में हमने सिंपल सा बताया था, विशेष विशेषण अभी एक मिनट फिर से देख लो, विशेष विशेषण में क्या हो जाएगा, विशेषण जो होगा विशेष के पहले आएगा, ठीक, जैसे सुंदर, सुंदर लड़की, सुंदर लड़की जाती है ना, तो सुंदर क्या, लड़की क्या है, लड़की देख लो, लड़की तो आपकी क्या हो गई, विशेष से हो गई, लड़की क्या हो गई बेटा, विशेष से हो गई, मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम है वो विशेष से हो जाएंगे क्योंकि उन्हीं की क्वालिटी बताई जाती है, और ये आपका विशेषण हो गया। तो यहां पर विशेषण पहले आ गया, यहां पर विशेष से पहले है, तो आप इसको कैसे भी समझ सकते हो, जब विशेषण पहले विशेष बाद में, तो ये आपका विशेष विशेषण हो जाएगा, और जहां विशेष से पहले विशेषण बाद में तो आपका विधेय विशेष विधेय विशेषण हो जाएगा। चलो अच्छा, आज की क्लास हम लोग विशेषण तक रखते हैं, आप लोग इसके क्वेश्चंस जो आते हैं वो प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो बाकी किसी दिन हम प्रैक्टिस करवाते हैं इसके साथ में। एक बार चैनल को भैया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, AD स्मार्ट क्लासेज। और आप लोगों को ये बताना था कि टेलीग्राम ग्रुप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम लोग जो भी इसकी PDF हैं वो उपलब्ध करवाएंगे, अभी आप लोगों को कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया करेंगे, ठीक, प्रश्नोत्तरी जिसको आप बोलते हो। इसके बाद और भी जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को दे दिए जाएंगे, ठीक, तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास मिलती रहेंगी इसी के थ्रू। तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइव क्लासेस, अब आप लोग लाइव क्लासेस में भी जुड़ा करिए, क्योंकि अब पूरा आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, तो लाइव में भी आप लोग जुड़िए, आप अपने कमेंट दीजिए, जो भी आप लोगों को दिक्कत हो या कोई क्वेश्चंस हो आप वो लाइव कर सकते हैं। और लाइव क्लास में बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए भाई, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे वो भी, उनको भी ये चीज़ें मिलेंगी, उनको भी हिंदी पढ़ने को मिलेगी। और ये केवल पुलिस के लिए नहीं, हम फिर से बताते हैं, केवल पुलिस बैच के लिए ही नहीं, अन्य जितने भी हिंदी जिसमें आती है, SSC GD UP SSSC है ना, जितने भी हैं, और फिर अब तो कुछ वैकेंसी के चांसेस भी लग रहे हैं ठीक ठाक है ना, तो कम से कम पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोग बेटा AD स्मार्ट क्लासेस अगर आप लोगों के लिए इतना सब कुछ लेके आ रहा है तो कुछ बहुत तो बनता है ना AD स्मार्ट क्लासेस के लिए, तो आप लोग अपने तरीके से पूरा प्रयास करिए कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और लाइव क्लास में जरूर से जरूर जुड़िए, शेयर करिए। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।